WHO का बयान कहा कि भारत में पाया गया कोविड-19 का B.1.617 स्वरूप भी अब चिंता का सबब पर लोगों की जान को सबसे ज्यादा खतरा B.1.617.2 से। कोरोना से लड़ने के लिए आइसलैंड ने भारत को भेजे 15 वेंटिलेटर्स और 12,000 फेविपिरावीर टैबलेट्स और इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। परिवार के साथ इंग्लैंड रवाना होंगे भारतीय खिलाड़ी। महामारी और बायो बबल की मुश्किलों को देखते हुए बीसीसीआई ने दी इजाजत। भारतीय खिलाड़ी आज इंग्लैंड के 3 महीने लंबे दौरे पर रवाना होंगे। चीन के नक्शे कदम पर पाकिस्तान, लोकतंत्र और मीडिया की आजादी पर कसेगा शिकंजा। इमरान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव किया तैयार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। आईएमए ने दी अमित शाह से मांग की है कि कहा हेल्थ वर्कर्स पर हिंसा के खिलाफ बनाया जाए कड़ा कानून। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पर मुकदमा। इंडियन बार एसोसिएशन ने चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या पर लगाया आरोप। कहा कि कोविड-19 की दवा आइवरमेक्टिन के उपयोग का चीफ साइंटिस्ट ने विरोध किया। केंद्र ने पेंशन रूल्स में किया संशोधन। सिक्योरिटी ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद जानकारी पब्लिक करने से पहले लेनी होगी मंजूरी। पब्लिशिंग से पहले ऑर्गेनाइजेशन हेड की लेनी होगी मंजूरी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप। बाबा रामदेव ने महामारी को कंट्रोल करने के सरकार के प्रयासों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। आईएमए ने कहा कि महामारी के दौरान भ्रम पैदा करने वाले लोग देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही। मई में 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को गंवानी पड़ी नौकरी। कोरोना के कारण देश में नौकरियों का बुरा हाल। जैसे जैसे महामारी की लहर में तेजी वैसे वैसे नौकरियों की संख्या भी घट रही है। बीते 1 साल में देश में आर्थिक सुधार पर विराम। 1,000 किसान सेवा केंद्र शुरू करेगा कृषि विभाग। 3 वर्ष में खोलने का रखा लक्ष्य है। जल्द किसान सेवा केंद्र खोलने के लिए स्थान चयन के निर्देश। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि समेत 3 अन्य संस्थाओं का हुआ करार। 5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद 37 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हत्याएं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए नए दिशा निर्देश जारी। 6 साल की बच्ची ने पीएम से की थी अपील। 5वीं कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क देने से परहेज करने के लिए कहा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द, लेकिन रिजल्ट के फॉर्मूले के लिए अभी करना होगा इंतजार। मूल्यांकन मापदंड को अंतिम रूप देने में लगेगा कुछ वक्त। भारत में मई में 1,20,000 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में सबसे ज्यादा 93 कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार। हर दिन 300 शव जलाए गए। नीति आयोग का दावा, अगर वायरस ने रूप बदला तो गंभीर होगी। 3% बच्चों को अस्पताल में कराना पड़ेगा भर्ती। आम हालात के विपरीत कोविड का प्रभाव बढ़ने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका में दावा किया है कि कोरोना से हर दिन मर रहे हैं 4 पत्रकार। इलाज और वैक्सीनेशन की सुविधा देने की मांग की गई। रिसर्च से खुलासा, कोविड के इलाज में लोगों को बना दिया गरीब। गरीब से और अधिक गरीब होते जा रहे लोग। देश में इस साल लोगों ने 66,000 करोड़ रुपए अस्पतालों पर अतिरिक्त खर्च किए। मुंबई में तेज होगा टीकाकरण। बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया था जारी। 2 कंपनियों ने स्पुतनिक वी और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन देने का वादा किया। पत्नी के लगाए मारपीट के आरोपों को ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम एक्टर करण मेहरा ने नकारा, मिल गई है बेल। निशा रावल ने मुंबई पुलिस के पास दर्ज कराई थी शिकायत। अमेजोन ने नौकरी के लिए अब नहीं देना होगा गांजे का टेस्ट। गांजे को वैध करने का भी किया समर्थन। गांजे के लिए स्क्रीनिंग नहीं होगी, पूरे देश में लागू करने के लिए नया कानून। भीलवाड़ा में बेरहम पिता का मासूमों पर अत्याचार। बेटा और बेटी पर हंटर से कहर बरपाया। 1 मासूम का टूटा पैर। आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज। मोतिहारी दबंगों के आगे झुकी पुलिस। अभियुक्त पक्ष के आवेदन पर भी FIR। पीड़ित पक्ष को डराने की साजिश। गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली में 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक मस्जिद के मौलवी पर कथित तौर पर रेप का आरोप। कोरोना काल में महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल की कीमतें छू रही आसमान। वहीं खाद्य पदार्थों पर बढ़ी महंगाई ने रसोई और आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया।